बाद लोग जो है वो अपने बच्चों और अपने जौजा को जो है वो शिकंजे में मुश्किलात में रखकर अपने अतराफ में ज्यादा कर रहे हैं। गलत है, बैलेंस बहुत जरूरी है जाने मोहतरम। माँ बाप को भी देना बहुत जरूरी है, माँ बाप को देना, उनकी खिदमत करना, उनका एहतराम करना, हत्ता उनके लिए दुआ करना आपके रिस्क में इजाफा करता है, हदीस कहती है। अगर आप अपने वालदेन के लिए दुआ नहीं करते उनकी जिंदगी के लिए, उनकी तौफीक, तो कहीं अगर आपके रिस्क में मुश्किल है तो आप देखेंगे आपकी दुआओं में आपके वालदेन है या नहीं है। मुझे तो वैसी फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं तो अपने लिए दुआ पूरी नहीं होती, मैं दूसरों के लिए क्या दुआ करूँ। फिर वालदेन के बाद आपके रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद फुकरा मिस्कीन और फिर हल्के, फिर आखिर में फी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह के रास्ते पर है। तो हम ये देखें कि हम इन्फाक कर कहाँ है। माह रमजान इन्फाक का महीना है, अफ्तार का महीना है। अच्छा, हमारी अफ्तारी भी अपने लोगों को होती है ना, अपने लोगों को जो पेट भरे हैं उन्हीं को करा, भाई किसी ऐसे को करा लेंगे जिसके अफ्तार से भी सवाब, सवाब तो इनको भी मिलेगा, लेकिन जो है कि आप औलवियत आपकी उस जगह होनी चाहिए कि जहां शायद नहीं पहुंच रहा कुछ, शायद कुछ। क्यों इस्लाम खुद अहकाम रोजे के अंदर आपका जो रोजे का फिदिया है बीमार है नहीं रख सकता है या कुछ है, क्यों कहा कि तीन मुद यानी 750 ग्राम जो है वो आप आटा या गंदम या जो भी चीज आप खाते हैं, क्यों है? ताकि ये ड्राइव करे। पैसा देना वो कहते हैं पूरा नहीं करता इस बात को जब तक आप इस चीज को असल तक ना पहुंचाएं। क्यों? ताकि भूखों के पेट भरे। शिकम बहुत जरूरी है। हम आगे बड़ी बड़ी बातें इस्लाम की दलीलें और ये अहकाम, हमारे मौलाना यहाँ पे भी आए, आगा दाउदानी साहब यहाँ पे भी आए, यकीनन वो बयान कर रहे थे कि कीनिया गए वो या नैरोबी, तो वहां उन्होंने एक ब्लैक जो सियापोस था वो मुसलमान था, तो उससे पूछा कि भाई यहाँ और मजाहब भी तबलीग कर रहे हैं, हम भी तबलीग कर रहे हैं, तो आप हमारे मजहब की तबलीग को किस रेटिंग में लाते हैं, या मतलब आपके नज़दीक कौन सा मजहब बहुत अच्छा है तबलीग में? तो उसने कहा क्रिश्चियनिटी, मसीह जो है वो उनको मैं 100 नंबर दूंगा तबलीग के। कहा क्यों? कहा आप लोग आते हैं दलीलें मुहकम ये वो इसकी बातें करते हैं, अल्लाह यूं है ये, और वो कैसे आते हैं? वो पहले आके देखते हैं कि इस इलाके में हॉस्पिटल की जरूरत है, वो पहले आके हॉस्पिटल खोलते हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं खोल सकते तो एक क्लिनिक खोलते हैं, पहले उनकी बीमारियों का इलाज कर, फिर एक कम्युनिटी सेंटर खोलते हैं, उसमें स्कूल खोलते हैं ताकि उनके बच्चे कहीं तालीम हासिल कर सकें। कह रहा तीसरे मरल पर उन्हें अपने मजहब की दलील देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद मसीह हो जाते हैं। कहता आप पहले आके दलीलें देना शुरू कर देते हैं। इस्लाम बार बार क्यों फुकरा फुकरा खाना खिलाओ? और आइमा की जिंदगी में आप जाकर देखें कितने इमाम रात की तारीकी में फुकरा को खाना खिलाते हैं।